गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड लुक एट पेज नंबर सिक्सटी थ्री आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिलिंग कलर इन सेल्स तो बच्चे इस टॉपिक में जो सेल्स होते हैं आप उस सेल्स में कलर कैसे फिल करेंगे उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो हम स्टडी करेंगे सो फर्स्ट टू फिल कलर इन टू सेलेक्टेड सेल्स ऑफ योर वर्कशीट फॉलो दी स्टेप्स फर्स्ट सेलेक्ट द सेल्स आपको जिन जिन सेल्स में कलर फिल करने आप उनको सेलेक्ट करोगे सेकेंड इन द फ़ॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द फिल कलर बटन देखिए जो होम टैब होता है उसके अंदर जो फॉन्ट ग्रुप होता है उसमें ऑप्शन होता है फिल कलर ये जो सिम्बल बना हुआ है इस सिंबल से आपको शो होता है दिस वन ये होता है फिल कलर का ठीक है आप इस पर क्लिक करोगे जैसे ही द फिल कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी उसमें मैनी कलर्स अवेलेबल होंगे ठीक है चूज या कलर आप कलर चूज करोगे जो भी आपको फॉन्ट सेल्स में जो भी कलर चाहिए आप जैसे ही चूज करोगे आपके सेल्स में वही कलर हो जाएगा ठीक है इस वजह से हम क्या करते हैं सेल्स में कलर फिल करते हैं ओके स्टूडेंट्स वेरी इजी सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग बॉर्डर्स देखिए बॉर्डर्स क्या होता है जो आउटसाइड बाउंड्री होती है किसी भी सेल की जो आउटसाइड बाउंड्री होती है वो होती है बॉर्डर इफ यू वॉन्ट टू एड बॉर्डर्स इन सेल्स देन हाउ वी कैन एड बॉर्डर फर्स्ट टू एड बॉर्डर्स टू सेल्फ फॉलो दी स्टेप्स सबसे पहले आपको सेलेक्ट तो कुछ भी करना है तो सेल्स को सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा सेम वही फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड इन द फोन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द बॉर्डर्स बटन द बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स देखिए जैसे ही हमने होम टैब ओपन किया स्टार्टिंग से फोन जैसे आपने पहले किया तो उसमें font color था उसमें फोन कलर था सेम दिस वे अब वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको इस सिंबल के साथ ये होता है बॉर्डर्स का ठीक है आपको एक रेक्टेंगल जो शो हो रही है इसके नीचे बोटो पे एक डार्क हाईलाइटेड बोल्ड में आपको लाइन दिख रही है ये सिंबल होता है बॉर्डर्स का ठीक है तो जैसे ही आप इन बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे द बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स आपके पास बॉर्डर्स की लिस्ट अपीयर हो जाएगी चूज आ बॉर्डर स्टाइल उसमें आपको काफ़ी सारे बॉर्डर्स के डिजाइन शो होंगे आपको जो भी उसमें से डिज़ायर है दैट यू कैन चूज आफ्टर दैन क्लिक ऑन लाइन कलर टू चूज ए कलर फॉर द बॉर्डर आपके बॉर्डर के लिए जो भी लाइन का कलर हो आप क्या करोगे उस कलर को चूज करोगे नेक्स्ट क्लिक ऑन लाइन स्टाइल टू चूज वन फॉर द बॉर्डर आप लाइन स्टाइल चूज करोगे तो आपके बॉर्डर की जो लाइन स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी ओके स्टूडेंट्स तो नीचे को एक टिप में यू कैन यूज़ द बॉर्डर टैब इन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स टू अप्लाई बॉर्डर स्टाइल्स इट मीन्स एक तो आप डायरेक्टली जो होम टैब होता है वहाँ से आप बॉर्डरस को चेंज कर सकते हो नेक्स्ट बॉर्डर जो टैब होता है वो आपको एक फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स जो होता है उसमें भी मिल जाता है उसमें भी सेम यही ऑप्शंस होते हैं ओके सो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली देखो यहाँ पर आपने जैसे ही उस सिंबल पे क्लिक किया होम टैप पे तो आपको बॉर्डर्स के नाम से ये डिस्प्ले होगा ठीक है इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके बिल्कुल जो नीचे हैं ये ड्रो बॉर्डर्स में सबसे पहले ड्रो बॉर्डर से आप बॉर्डर ड्रॉ करोगे नेक्स्ट आपके पास ड्रो बॉर्डर ग्रिड है इरेज बॉर्डर आप इरेज करना चाहते हो ग्रिड वाले से ग्रिड डिज़ाइन हो जाएगा लेकिन जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें लास्ट में जो लाइन कलर है ये जो आपका फोर्थ स्टेप था क्लिक ऑन लाइन कलर टू चूज अ कलर फॉर द बॉर्डर आप लाइन कलर के ऊपर करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा इसके नीचे ही लाइन स्टाइल है उससे आपकी जो लाइन का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स सो सो स्टूडेंट्स इन दिस टॉपिक वी स्टडीड अबाउट एडिंग बोर्डर्स So, you will do practically and learn it. Thank you, class.